हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जस्ट फर्स्ट स्टडी दोस्तों पंचायत ऑडिटर का एग्जाम हुआ था 26 फरवरी दो हज़ार को पोस्ट कोड 486 उसका जो है पार्ट वन देखेंगे 100 क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो जो है जल्द ही अपलोड की जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो बात करें पी की तो पी जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जल्द ही जो है सेंड की जाएगी तो वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन रहता है बैटिंग ऑन हॉर्सेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ तो घोड़ों पर दाव लगाना किसका उदाहरण है तो ये स्पेकुलेटिव रिस्क का उदाहरण है ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंट रेट ऑफ बेसिक एक्साइज ड्यूटी इज तो बेसिक एक्साइज ड्यूटी का जो करंट रेट है वह है बारह परसेंट नेक्स्ट है लेजर फेरे पॉलिसी इज अडॉप्ट इन तो अहस्तक्षेप नीति को अपनाया गया है ऑप्शन डी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम में यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रणाली में नेक्स्ट है जीडीपी कंसिस्ट तो जीडीपी में किससे बना है ऑप्शन डी ऑल ऑफ डीज यानी कि पर यूनिट मार्केट प्राइस ग्रॉस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइसेंस सिस्टम इन इंडस्ट्रीज वाट अवे विद तो उद्योगों में लाइसेंस प्रणाली किसके साथ दूर हो गई तो 1991 में लिबरलाइजेशन के साथ जो है लाइसेंस सिस्टम जो है हटा दिया गया नेक्स्ट है वेट इज इम्पोज वो तो दो हजार सतारह तो तो इज इंपोज ऑन ऑल स्टेजे बिटवीन प्रोडक्शन एंड फाइनल स्टेज यानी कि उत्पादन और आखिरी बिक्री के बीच के सभी चरणों पर नेक्स्ट है नाबार्ड इज अ तो नाबार्ड की बात करें तो तो नाबार्ड जो है एक बैंक है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कब बना था जुलाई 1982 में नेक्स्ट है ऑडिटिंग बेगिन वेयर डैश एंड तो इसमें आएगा ऑडिटिंग अकाउंटिंग एंड ऑप्शन डी इंटरनल ऑडिट इज हेल्पफुल इन तो इंटरनल ऑडिट जो है किस में सहायक होता है ऑप्शन सी डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स नेक्स्ट इज विच वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स तो निम्न में से कौन सा जो है प्रत्यक्ष कर है ऑप्शन डी पर्सनल इनकम टैक्स नेक्स्ट है डेप्रिशिएशन इज रिलेटेड टू तो डेप्रीशिएशन किसे संबंधित है ऑप्शन डी ऑल फिक्स टेंजिबल अस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस व्हेन तो निवेश पर प्रतिफल बढ़ता है जब ऑप्शन बी कॉस्ट डिक्रीजेस यानी कि लागत घटती है डैश इज नोन एज बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग तो किसको जो है ऑडिटिंग का बैकबोन कहा जाता है तो किसे कहा जाता है ऑप्शन बी वॉचिंग टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इज मेड बाय तो स्रोतों पर करके को कटौती की जाती है ऑप्शन डी एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता द्वारा डैश इज द लीस्ट लिक्विड असेट तो कौन सा जो है न्यूनतम तरल संपत्ति है तो मशीन जो है लीस्ट लिक्विड असेट है ऑप्शन ए असर प्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मीन्स तो भुगतान शेष में अधिशेष से तात्पर्य है तो इसका सही आंसर रहता है ऑप्शन सी एन इन फ्लो ऑफ इनकम इन टू द कंट्री यानी कि देश में आएगा अंतर प्रवाह द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कैन इन्फ्लुएंस डिपॉजिट क्रिएशन यानी कि जमा अनामत के निर्माण को प्रभावित कर सकता है सेंट्रल बैंक वैल्यू ऑफ मनी इज तो मुद्रा का मूल्य जो है ऑप्शन ए इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस लेवल यानी कि कीमत मूल्य स्तर से उत्क्रमणीय रूप से संबंधित है एज डेवलपमेंट प्रोसीड द प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर टेंस टू डिक्रीज वाइल दैट ऑफ सेकेंडरी एंड ट्रस्ट्री सेक्टर टेन टू इंक्रीज तो ये जो है ट्रू स्टेटमेंट है ऑप्शन ए द बीयर स्पेक्टुलेटर्स एक्सपर्ट दैट इन फ्यूचर द बॉन्ड प्राइज विल तो बियर स्टोरी ये जो है आशा करते ही भविष्य में बॉन्ड्स की कीमतें ऑप्शन डी फॉल यानी कि नीचे गिरेगी वेन एवरेज कॉस्ट राइजेज मार्जिनल कॉस्ट इज तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट नेक्स्ट है ई इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन से जो है सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन होता है ऑप्शन सी ट्रेडर्स क्लास यानी कि व्यापारी वर्ग विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रेडिट क्रिएशन तो नीम में से कौन सा जो है साख निर्माण के लिए उत्तरदायी है तो कौन सा है कमर्शियल बैंक वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आर बी आई सिचुएटेड तो आर का मुख्यालय कहाँ है मुंबई में ऑप्शन ए तो आर कब बना था एक अप्रैल उन्नीस में हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ आर तो आर के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑप्शन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्लास्टिक मनी न्यून में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है तो किसे कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को इकोनॉमिक प्लानिंग इज असेंशियल फीचर ऑफ डैश इकोनॉमी तो किस अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक आयोजन एक आवश्यक लक्षण है तो किसके लिए है सोशलिस्ट इकोनॉमी के लिए ऑप्शन डी द वन इज फाइंड आउट बाई कार्बन डेटिंग इज तो रेडियो कार्बन विधि से ज्ञात किया जाता है तो क्या किया जाता है एज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की प्राचीनता ऑप्शन ए हु रोड द रामायणा तो रामायणा किसने लिखी है किस लिखी है वाल्मीकि जी ने ने नेटिव प्लेस ऑफ आर्यस तो आर्य का मूल निवास स्थान कहाँ था सेंट्रल एशिया ऑप्शन बी नेक्स्ट है इंडिका इज क्रिएशन ऑफ तो इंडिका किसकी रचना है तो ये मेगा स्नीस की रचना है ऑप्शन बी ब्रिटिश अराइव इन इंडिया अंग्रेज भारत में आए थे लगभग सोलह सौ सो, ए डी में ज द पाइन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया मुगल समाज की न्यू भारत में किसने रखी थी किसने रखी थी बाबर ने ऑप्शन डी बलवन वॉज द रूलर ऑफ डायनेस्टी तो बलवन किस वंश का शासक था तो ये गुलाम वंश का शासक था ऑप्शन ए विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फेमस बाय द नेम ऑफ यवन प्रिया तो न्यून में से प्राचीन काल में यवन प्रिया नाम से प्रसिद्ध था थी तो क्या था काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर ऑप्शन डी हु इम्पोज द जज्जिया एंड पिलग्रेमेज टैक्स अगेन इन इंडिया भारत में जजिया और तीर्थ यात्रा पर कर किस शासक ने दोबारा लगा दिया था दोबारा की बात करें तो औरंगजेब ने ये टैक्स जो है दोबारा लगाया था तो बात करें पहली बार जो लगाया था जजिया फिर उशा तुगलक ने और अकबर ने इसको एब्लिश कर दिया था द गवर्नर एंड एनफोर्स परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया भारत में स्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर ने चलाया था 1793 में लॉर्ड कॉर्ना वॉलिस ने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच वायस राय बेंगाल पार्टीशन टुक प्लेस बंगाल विभाजन किस वाइस राय के समय हुआ लॉर्ड कर्जन जलवाला जीरो फाइव जलवालाउमसाइड टुक प्लेस इन जलवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तेरह अप्रैल 1919 उन्नीस को ऑप्शन बी फॉलोइ टीचिंग इज नॉट गिवन बाई महात्मा बुद्धा तो निम्निख्त में से महात्मा बुद्ध द्वारा प्रदत्त शिक्षा कौन सी नहीं थी तो फाइव अनुव्रता जो है जेनिज्म है तो बाकी जो है बुद्धाज की टीचिंग है एट फोल्ड फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ और नॉन वायलेंस विच एम्प्रायर विच एम्पायर वाज डिस्ट्रॉयड बाई द इन्वेंशन ऑफ हूनाज तो हुनों के आक्रमण से कौन सा सम्राज्य नष्ट हो गया था गुप्ता ऑप्शन बी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत चेहरा एंड दाग वर विच टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स तो दिल्ली सल्तनत के समय चेहरा व दाग किस तरह के सुधार थे तो ये सेना संबंधी सुधार थे ऑप्शन सी थ्री मैन ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया तो उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के तीन कर्मधान कौन से थे तो कौन थे मीरा कबीर और नानक जी ऑप्शन डी एट चिप्स वाज लेटेड विद तो अष्ट प्रधान का संबंध था मराठा साम्राज्य से ऑप्शन ए स्वदेशी मूवमेंट एसोसिएटेड विद इंडिया इंडिपेंडेंट स्टार्टेड इन द ईयर तो भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित स्वदेशी आंदोलन की प्रारंभ हुआ था 1905 में स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल दिस स्टेटमेंट इज बिलोंग्स टू स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर हूंगा प्रसिद्ध पंक्तियां किसने कही थी बाल गंगाधर तिलक ने ऑप्शन सी दांडी मार्च इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द बेगनिंग ऑफ दांडी मार्च का सीधा संबंध किस आंदोलन के शुरुआत से है सिविल डिस नाइनटीन थर्टी डैश इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन अर्थ तो कौन सी जो है अर्थ की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल रिवर ऑप्शन सी डैश इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन इंडिया भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में एटलस माउंटेन इज इन विच कॉन्टिनेंट तो एटलास्ट पहाड़ जो है किस महाद्वीप में है तो ये जो है अफ्रीका महाद्वीप में है ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन देट तो किस राज्य में कृष्ण मिता पाई जाती है महाराष्ट्र में बलारपुर ऑफ महाराष्ट्र इज फेमस फॉर इट्स तो महाराष्ट्र का बलारपुर किस के लिए प्रसिद्ध है पेपर इंडस्ट्री के लिए गारो हिल्स आर एसोसिएटेड विद गारो पहाड़ियों का संबंध किससे है गारो पहाड़िया जो है मेघालय में है गारो खासी और जयंतिया पहाड़िया ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया इज लोकेटेड एट तो सबसे पुरानी रिफाइनरी भारत में कहाँ स्थित है डिग असम में इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ऑरिजिनरी पार्ट ऑफ अ ह्यूज लैंड कॉल्ड तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है मूल रूप से किस बड़े भूभाग का हिस्सा था गोंडवाना लैंड का ऑप्शन डी सैंडलवुड इज द स्टेट ट्री ऑफ विश स्टेट तो चंदन का पेड़ जो है किस राज्य का राज्य वृक्ष है तो ये जो है कर्नाटका ऑप्शन सी मार्बल इज संगमरमर क्या है तो संगमरमर जो है मेटामोर्फिक रॉक है तो ये लाइमस्टोन की मेटामोर्फ फॉर्म है जमशेदपुर इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तो जमशेदपुर किस राज्य में है झारखंड हल्दिया सी पोर्ट इज इन तो हल्दिया समुद्री पतन कहाँ पर है वेस्ट बंगाल में सरदार सरोवर डैम इज़ एसोसिएटेड विद विच रिवर सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है नर्मदा नदी पर पनामा कैनल कनेक्ट्स डैश विद द तो बात करें पनामा नहर की तो किसको किससे जोड़ती है तो ये जोड़ती है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से हनोई इज द कैपिटल ऑफ तो हनोई जो है किसकी राजधानी है वियतनाम की द हिल स्टेशन माउंट आबू इज लोकेटेड इन माउंट आबू पहाड़ी कहाँ है राजस्थान में अरावली हिल्स में अरावली रेंज में बुकारो एंड झारिया आर फेमस फॉर दियर डैश माइंस बुकारो तथा झारिया किसकी खदानों के लिए फेमस है कोल द बिग बैंग थ्यूरी इज एसोसिएटेड विद महाविस्फोट बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स नेक्स्ट है द एस्कीमो पीपल आर एसोसिएटेड विद डैश एज इट्स इनहेबिटेंट्स एस्कीमो लोग डैश के निवासी के रूप में संबंधित है तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी साइबेरिया वर्ड सुनामी बिलोंग्स टू डैश लैंग्वेज विच मीन्स हार्बर वेव तो सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है जिसका अर्थ होता है हार्बर वेव तो सुनामी शब्द, है, शब्द है. Next, जो है जापानीज शब्द है नेक्स्ट टेन क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के हैं डोनाल्ड ट्रंप हुटली बीन इलेक्टेड एज फोर्टी फिफ्थ प्रेजिडेंट ऑफ यू एस ए बिलोंग्स टू रिपब्लिक पार्टी ऑप्शन बी विच ऑफ द फॉलोइंगीचर ऑफ रिसेंटली टू थाउजेंड नोट बाई आर बी आई आर बी आई जो आ, कौन सा इलेक्शन हाल ही में आर बी आई द्वारा आयु जारी किए गए दो हज़ार के नोट में नहीं है ऑप्शन डी चंद्रमा का मूल भाव थेरेसा मई हू हैज रिसेंटली विजिटेड इंडिया बिलोंग्स टू थेरेसा मई जिसने हाल ही में भारत का दौरा किया है संबंधित है तो थेरेसा मई जो है यूके की फॉर्मर पीएम थी विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज हैज रिसेंटली अचीव द स्टेटस ऑफ सेवंथ नेशनल पार्टी इन द कंट्री तो सेवंथ नेशनल पार्टी जो बनी थी वो बनी थी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वर्ल्ड फर्स्ट ड्राइवरलेस बस सर्विस हैज रिजेंटली बीन लॉन्च इन विश्व की सर्वप्रथम बिना ड्राइवर की बस सुविधा हाल ही में का की गई फ्रांस में ओबेदुल्लाह खान हेरिटेज कप इज एसोसिएबैदुल्लाह खान हेरिटेज कप किसे है हॉकी से दीपा मलिक हुए सेंटली वन सिल्वर मेडल एट रियो पैरालंपिक गेम्स इज एसोसिएटेड विद डैश गेम दीपा मलिक जिन्होंने हाल ही में रियो पैरालंपिक में रजत पदक प्राप्त किया किस खेल से संबंधित है तो ये वो है शॉर्टपुट तो से ऑप्शन डी द नेम अजय जयरामा इज एसोसिएटेड विद तो अजय जयराम नाम किसे संबंधित है बैडमिंटन से विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर इज नॉट एसोसिएटेड विद द लेटेस्ट हिंदी फिल्म डियर जिंदगी कौन सा कलाकार हाल ही में हिंदी फिल्म डियर जिंदगी से संबंधित नहीं है कपूर तो इसमें कौन कौन है शाहरुख खान आदित्य कपूर और आलिया भट्ट ज द प्रेजेंट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्त्री तथा बाध विकास मंत्रालय के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है तो दो हजार सतारह में थी मेनिका गांधी जी ऑप्शन डी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज बुधिल एंड सीज इट्स ट्रिब्यूटरी तो कौन नियम में से किस नदी की सहायक नदियाँ बुधिल और सील है तो किसकी है रावी नदी की ऑन फिफ्टीन अप्रैल नाइनटीन फोर्टी एट हिमाचल प्रदेश कैम इन टू एग्जिस्टेंस एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस है पंद्रह अप्रैल उन्नीस सौ अड़तालीस में हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त राज्यों के रूप में अस्तित्व में आया जिसमें कितने जिले थे चार जिले थे कौन कौन से महासू सिरमौर मंडी और चंबा विश ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वॉज अर्लियर नोन एज महासू डिस्ट्रिक्ट नींद में से कौन सा जिला पहले महासु के नाम से जाना जाता था शिमला जिला विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक ऑफ हिमाचल प्रदेश टच इज द बाउंड्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है चंबा जिले की सीमा लगती है जम्मू कश्मीर से विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑब्जर्व टू सेलिब्रेट द कमेंसमेंट ऑफ न्यू ईयर निम्न में से कौन सा उत्सव नए वर्ष के प्रारंभ के लिए मनाया जाता है लोसर हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिमालयन पोलियनड्री हिमालयन पोलियड्री के लेखक कौन है डी एन मजूमदार विच ऑफ़ फॉलोइंग टेम्पल्स इज एस नॉट एसोसिएटेड विद चंबा डिस्ट्रिक्ट तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है कौन सा मंदिर नहीं है तो बात करें मृकुला देवी की टेम्पल की तो ये उदयपुर लाहौल स्पीति में है तो बाकी जो टेम्पल रहते हैं चंद्रशेखर भरमो चौरासी और लक्ष्मीनारायण चंबा डिस्ट्रिक्ट में है हु फाउंडेड अस्ट वाइल्ड स्टेट ऑफ चंबा एट ब्रह्मपुर इन फाइव फिफ्टी ए डी तो फाइव फिफ्टी में ब्रह्मपुर में किसने पूर्व चंबा राज्य की स्थापना की थी किसने की थी मारू या मारू वर्मन कई बुक्स में जो है मारू वर्मन दिया है कई में मारू दिया है मिर्जा हमीदुल्ला बेग वाज द फर्स्ट डैश ऑफ हिमाचल प्रदेश तो मिर्जा हमीदुल्ला बेग जो है हिमाचल प्रदेश के प्रथम क्या थे तो बात करें मिर्जा हमीदुल्ला बेग की तो हिमाचल के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पहले ऑप्शन डी सब डिवीजन नेम्ड राजगढ़ इन डैश डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ उप विभाग किस जिले में है सिरमौर में है राजगढ़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वॉज नोन एज धमेरी इन द पास्ट भूतकाल में निम्न में से कौन सा फसल धमेरी के नाम से जाना जाता था नूरपुर एज पर सेंस दो हज़ार ग्यारह द लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश दो हज़ार ग्यारह जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है एटी टू पॉइंट एट जीरो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है मेज़ यानी कि मक्का का हाउ मेनी मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट आर इलेक्टेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के संसद के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं सात चार जो है लोकसभा एम पी प्लस तीन जो है राज्यसभा एम पी विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नोन एज लेक ऑफ द स्लीपिंग वूमेन तो नीन में से कौन सी झील जो है निंद्राधीन स्त्री की झील से जानी जाती है रेणुका झील सिरमौर जिले में है वजीर राम सिंह पठानिया वॉज एसोसिएटेड विद डैश अस्ट वेल्थ स्टेट वजीर राम सिंह पठानिया डैश पूर्व राज्य से संबंधित है तो वजीर राम सिंह पठानिया जो है नूरपुर से संबंध रखते थे इन्होंने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था द रिस रेड द हिमालय कार रैली टू थाउजेंड सिक्सटीन वाज डैश इन रो हाल ही में आयोजित रेड दी हिमालय कार रैली दो हजार सोलह में अपने क्रम में जो है ठहर रैली थी कुशवंत सिंह लाइफ लिट फेस्ट वाज रिसेंटली इन अक्टूबर दो हजार सोलह हेल्ड एट सिंह साहित्य जो है उत्सव अक्टूबर 2016 में कहा हुआ था कसौली में सैम्यूल इवान स्टोक्स हुए इंट्रोड्यूस एप्पल कल्टीवेशन इन हिमाचल प्रदेश वाज बेसिकली फ्रॉम तो सैम्यूल इवान स्टोक्स जिसने हिमाचल प्रदेश में खेती को परिचय में लाया मूल रूप से थे फिलाडेल्फिया यूएसए से बुरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड एट तो बुरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर है चंबा में नाइनटीन में बनाया था राजा बुरी सिंह ने फॉलोइंग इज नॉट ऑफ फंडामेंटल राइट तो नियम में से कौन सा जो है मूलभूत अधिकार नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट right नहीं है हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो कितनी बार जो है कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है तो कोई भी जो है अपर लिमिट नहीं है ऑप्शन डी नेक्स्ट है द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई तो भारत के राष्ट्रपति का चयन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एकल हस्तांतरीय वोट से अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी धन्यवाद